Should I have answered it? But myth about LLB, yes. Yes, I am from Maharashtra. तो बहुत पढ़ाते हैं उसके दौरान ही सब कुछ आपको पढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद अब क्या ही करेंगे पढ़ाई बहुत मुश्किल होता है। Take two, take two. Okay, take two. हेलो सो माय नेम इज एमिल खाको। तो आज मैंने बनाया कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए अपने दोस्तों के साथ अबाउट हाउ द एलएलबी स्टूडेंट लिव एंड व्हाट दे थिंक व्हाट द फ्यूचर एडवोकेट थिंक और मे बी फ्यूचर जज कैन थिंक। तो मेरे पास है कुछ तीन क्वेश्चन जो आज मैं पूछने वाला हूँ कॉलेज में। तो रहिए मेरे साथ एंड एंजॉय एंड सी हाउ दे गिव आंसर एंड व्हाट द फनी थिंग इज हैपनिंग विद दैट आंसर। सो सी यू विद दैट आंसर। बाय बाय। So how are you feeling in VHU LLB? Pretty good. It's good out here. The environment is very good. थोड़ा ठंडा जरूर है बट वो तो हर जगह ठंड है। Right. क्राउड भी ठीक ही है यहाँ पे बट पढ़ाते थोड़ा ज्यादा है। I'm feeling good. It's a good experience and it's good to be in the city that I'm actually from. So it's a good experience in general. बड़ा अफसोस हो रहा है। क्यों? ये बहुत पढ़ाते हैं। इतना नहीं पढ़ना था। कब पढ़ना था सर? आपको कैसे लग रहा है? बी एच यू एलबी भाई तो देखो सबसे बढ़िया तो है ही। यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि अब आपको पूरी कोर्स जो है वो पढ़ा दी जाती है जो पी सी एस जे की होती है वो पहले ही आपके पूरे ड्यूरेशन मतलब कोर्स के दौरान ही सब कुछ आपको पढ़ा दिया जाए। लेकिन दिक्कत यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है अटेंडेंस और क्लासेस की। आपकी सुबह 9 से शाम के 5 बजे तक लगातार आपको किसी भी कंडीशन में चाहे धूप हो बरसात हो ठंडी हो गर्मी में आपको आना ही आना है क्लास करने। तो ये सबसे बड़ा यहाँ पर दिक्कत होता है इसीलिए स्टूडेंट कई जगह एडमिशन नहीं लेते हैं। लेकिन पढ़ाई नंबर एक ये अच्छी चीज़ें हैं बढ़िया हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है। एडमिशन मिला पहले तो उसके बाद पढ़ाई भी यहाँ स्टार्ट कर दी है। लेकिन शाम को बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। ऐसा लगता है कि 7 क्लासेस के बाद अब क्या ही करेंगे। पढ़ाई में बहुत मुश्किल होता है। रात क्लासेस रेगुलर चलती रहती है ना 7 क्लासेस हो जाती हैं। अब घर पर उतना टाइम नहीं दे पाते लेकिन ठीक है क्लासेस सही चलती हैं बढ़िया चलती हैं। Great. What about you? It's very good. It's very good. I'm feeling very much lucky because so many people don't get admission in VHU LLB with very struggle. तो मुझे LLB मिल गया VHU में ये बहुत अच्छी बात है। VHU है भी इतनी खूबसूरत तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझको। What is the biggest myth about LLB? That you learn money. But myth about LLB ये है कि तुम paid internships मिलेगी बहुत ज़्यादा। Firstly, secondly, BHU LLB के बारे में ये है कि BHU से पढ़ोगे तो जज बन ही जाओगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है। However, ज़्यादातर यहीं से बनते हैं। अगर यहाँ से नहीं बने तो कहीं से नहीं बन पाओगे ये बात है लेकिन यहाँ से पढ़ोगे तो बन ही जाओगे ये एक मिथ है। That it actually gets you money from anywhere. But on a serious note, I think myth about LLB usually is that it's an easy degree to do and people take it lightly but it actually isn't. We have classes from 9 to 5 every day and it's not an easy thing to do. सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वो सोचते हैं LLB आसानी से हो जाएगी वो भी BHU से। पूरी नाक रगड़ जाएगी BHU से LLB करने में सोच के लेना एडमिशन। बिल्कुल सहमत हूँ कि एलएलबी में एडमिशन लेने का मतलब लोग सोच लेते हैं कि बस एडमिशन ले लिया मेरी कमाई शुरू हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है भाई। लॉ ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि बाकी सब्जेक्ट से बहुत हार्ड है। इसको पढ़ना पड़ेगा बाकी चीज़ों को समझना पड़ेगा और आप जब तक इस पर समय देंगे तब तक चीज़ें हो नहीं पाएंगे। और BHU ऐसी यूनिवर्सिटी है ऐसा कैंपस है यहाँ का सेंटर ऐसा है जो कि बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाता है समय देता है। इसलिए यदि आप यहाँ पे एडमिशन लेते हो तो पहले ये प्रिपेयर कर लीजिए माइंड सेटअप बना लीजिए कि यदि आप यहाँ पे एडमिशन ले तो आप यहाँ पे समय देंगे। यदि आप यहाँ पे समय नहीं देते तो फिर आपको कोई पढ़ने का मतलब नहीं है। फिर आप कहीं और एडमिशन ले लें वो बेहतर होगा आपका। इस गलत फहमी में ना रहे कि BHU से बिना पढ़े पास हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग सोच ये लेते हैं कि सिर्फ BHU में एडमिशन लिए तो वो क्या करेंगे कि निकलते ही वकालत ज्वाइन कर लेंगे या फिर PCSJ फोर्ड डालेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ना आपको ही है। टीचर यहाँ पे गाइडेंस बढ़िया देते हैं पढ़ाई अच्छी होती है लाइब्रेरी व्यवस्था बढ़िया है सब कुछ है लेकिन अल्टीमेटली पढ़ना आपको ही है। तो इस चीज़ का भ्रम छोड़ देना चाहिए कि नहीं BHU में एडमिशन हो गया तो मेरा सब कुछ हो गया। नहीं भाई, BHU में एडमिशन होने के बाद ही असली दौड़ शुरू होती है। वो तो अलग दौड़ है आपके एडमिशन का जो प्रोसेस है वो तो अलग चीज़ है लेकिन असली दौड़ जो LLB की पढ़ाई शुरू होती है वो आपके एडमिशन के बाद शुरू होती है। असली रेस वही से चलती है।
बस यही सोच के चले जाते हैं ज़्यादातर लोग कि यहाँ आएंगे कंपटीशन का कोचिंग करते रहेंगे या कंपटीशन पढ़ते रहेंगे और यहाँ साथ LLB हो जाएगी और कंपटीशन कहीं निकल जाएगा तो वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगता है कि 7 घंटे क्लास करने के बाद आपके पास क्षमता नहीं बचती कि कुछ भी और पढ़ा जाए। उसके बाद इसका भी इतना ज़्यादा वाइड कोर्स होता है कि उसे ही कवर करने में पूरा टाइम कंज्यूम हो जाता है, कुछ अपने पास बचता ही नहीं कि कंपटीशन की तरफ 1 मिनट भी देख पाए। तो कोई भी ये सोच कर ना आए कि हम कंपटीशन की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, वहीं से एग्जाम निकाल के चले आए, उसके बाद यहाँ कंपटीशन की प्रिपरेशन चलती रहेगी, हॉस्टल मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं हो पाएगा। या कंपटीशन ही करना है तो वहीं रहिए, LLB में अगर आ गए हैं तो फिर LLB करिए, आप कंपटीशन के लिए नहीं जा सकते यहाँ से। एक सबसे बड़ा परसेप्शन ये भी है यहाँ का कि यहाँ लोग बोलते हैं कि ये जज फैक्ट्री है, तो ज़्यादातर लोग इसी चक्कर में आते हैं कि यहाँ आएंगे जज बनेंगे, ये भी एक सही बात है। तो अगर हम किसी एक चीज़ पे फोकस करेंगे तो ही सही है, जैसा इन्होंने बोला कि हम चाहेंगे कि कोई कंपटीशन भी करे और ये भी करे तो ये नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ा मिथ LLB में है कि लोग अगर BHU में या लोग अगर LLB स्टार्ट करने से चालू कर देते हैं तो उनको लगता है कि यार इनको तो कोई डर ही नहीं लगता, पुलिस से डरना नहीं है, ये सब लोगों का मिथ हो जाता है। और ये सोचते हैं कि LLB में आने के बाद बहुत पढ़ना पड़ता होगा, बहुत पैसा कमाते होंगे, ये लोग सोचते होंगे, बट ये नॉट, दिस इज नॉट ट्रू। यहाँ बहुत हार्ड वर्क है, पैसा भी कमाते होंगे आफ्टर गेटिंग LLB कंप्लीट। उसके बाद पुलिस भी वकीलों से डरते होंगे ये सब कुछ, बट ऐसा नहीं होता, वी आर अ वेरी नॉर्मल पर्सन। जिसका कुछ नहीं होता है वो LLB करते हैं, ऐसा नहीं है, यहाँ बहुत पढ़ना पड़ता है। राइट, पीपल थिंक दैट बस LLB करने आ गए बस LLB हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट। व्हाट डू थिंक, व्हाट्स द बिगेस्ट मिथ अबाउट LLB? आई थिंक इट इज अबाउट द वॉल्यूम ऑफ बुक्स, दे से दैट इट इज वेरी बिग, इट इज वेरी हार्ड टू रीड इन वन गो, बट इट इज नॉट दैट हार्ड, यू सी यू कैन रीड हैप्पीली। We only have the booklet, no, which are 30-40 pages. We clear the exams with that only. It is not easy. It is not also that hard. Did you benefited from the tag of LLB? Tag of LLB or BHU LLB? Yeah, BHU LLB. Yes, I do. Did I think so? I am currently doing an internship with a Supreme Court advocate, and I think my tag of BHU helped me in getting that. I have not yet gotten any benefit from LLB tag, but I hope I get some in the future. How do your friends and family get give attraction with the tag of LLB? I think a lot of my family were happy that I got into BHU LLB. It's a very prestigious institution when it comes to LLB. But for my friends, I don't think it really mattered much, but I think for my family, yes, it did make a difference for them that I got into BHU LLB. Yeah, of course, and the BHU, get LLB is the biggest thing. Yes, it is. अभी तक तो नहीं, future में शायद मिलेगा। ऐसा है भाई, देखो BHU का नाम टैग ही काफ़ी है, BHU से LLB मतलब अपने आप में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, BHU की रैंकिंग अपने आप में काफ़ी अच्छी है बाकी यूनिवर्सिटी से लॉ के मामले में। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हालांकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं अपनी, लेकिन उसके अलावा जो BHU है वहाँ की लॉ की बात ही अलग है। तो BHU में जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं, कहीं अदर गाँव में रहते हैं या फिर जिस भी शहर में रहते हैं, वहाँ यदि BHU नाम तक ले लेते हैं कि BHU से LLB करें, तो उसका बेनिफिट तो कहीं ना कहीं होता ही है, चाहे एग्ज़ाम के एग्जामिनर्स हों, वो अलग नज़रिए से देखते हैं। या बहुत सारे फायदे मिलते हैं लोगों को, कहीं भी बता दो तो थोड़ा अच्छा फील करते हैं, थोड़ा उनके सम्मान होता है उनके नज़र में हमारे लिए। बाकी मैंने 2-3 बार इंटर्नशिप के लिए ट्राई किया है, अभी हम लोगों को टाइम नहीं मिला है, लेकिन मैंने कर्तव्यम में पिछली बार ही 10 जनवरी को अप्लाई किया था, तो उन्होंने मेरे को कॉल भी भेजा है कि आप 13 से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम ना होने की वजह से मैं अभी ज्वाइन नहीं कर पाया। लेकिन जब भी मैं इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करता हूँ तो मेरे को कॉल जरूर आ जाता है, केवल BHU के टैग के कारण ही। BHU का टैग ही अपने में एक है, यहाँ से आप कोई भी कोर्स करें, यह नहीं है कि LLB कर रहे हैं, BA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, कोई भी कोर्स करें, यहाँ का टैग एक अलग ही मायने रखता है। No, the tag right now it is only staying in the context of people. But see, there is some kind of recognition outside. If you're going out, people will look at you. Yeah, lawyer. He is doing LLB, so he is having some good knowledge. No. Have you benefited from your this LLB tag? Not yet. Did you?
Not really. What do you think people when you are doing LLB, they knew that? Yes, बहुत बार जब उनको पता चलता है कि हम लोग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहे हैं तो हमें बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं. व्हाट अ रिस्पेक्ट. यू विल गेट अटेंशन ऑफ द सेंट्रल पॉइंट सम टाइम. ये ऐसा कुछ होता है. एंड फ्रेंड्स फैमिली दे फील प्राउड दैट ही रीडिंग इन BHU LLB. सो दिस टाइप ऑफ बेनिफिट यू कैन से.